आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव के मद्देनजर एक बैंकेट हॉल में आम आदमी पार्टी के कुमाऊं मंडल के सभी जिलों की संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा बैठक हुई। आपके प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर कमर कसने की अपील की। बैठक में राज्य सरकार के कार्यों पर असंतुष्टि जताते हुए जनजागरण रैली के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिको और प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है और इसके साथ साथ राज्य सरकार ने जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, काशीपुर में लगातार दो दिन तक हत्याएं होती रही और सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार जवाब अब तक नहीं आया। उसके अलावा अंकिता हत्याकांड में जो वीआईपी है उसके नाम का खुलासा नहीं हुआ। विधानसभा भर्ती घोटाले में जो भर्ती करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सरकार मौन है। जिस तरह से प्रदेश की स्थिति चल रही है, अराजकता का माहौल है, बेरोजगारी है, सड़कों की बुरी हालत है, तो उसे लेकर हम आम आदमी पार्टी सड़कों पे आएगी और आज उसी को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई है जो हमारे प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट जी की अध्यक्षता में हो रही है।